लेकिन उसके बाद हुई डिसअपॉइंटमेंट। वो डिसअपॉइंटमेंट क्या थी यार? लुक्स प्रॉमिसिंग यार, ग्लोबली इतना बड़ा सक्सेस है तो कुछ तो होगा इस बार इस गाड़ी के अंदर। एक और ट्रिप प्लान कर रहे हैं हम लोग, जो एक हमारे दिमाग में एक एसयूवी का जो टेम्पलेट होता है ना, जो फॉर्च्यूनर एंडीवर थार वगैरह का जो एक एसयूवी का जो टेम्पलेट होता है, उसके साथ ही इंडिपेंडेंस डे वाला ड्राइव वॉज ऑल्सो वेरी मेमोरेबल। एंड हम लोग ऐसे कुछ ना कुछ और इवेंट प्लान करेंगे। एक और रोड ट्रिप का प्लानिंग भी चल रहा है, सिमिलर रोड ट्रिप है वो जो मैंने लास्ट टाइम की थी, एंड उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था कुछ चीजें जो मैं इस बार कवर करने का सोच रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीजें प्लान करके रखी है, देखते हैं किस हिसाब से क्या क्या कैसे एग्जीक्यूट होता है। बट फिलहाल एक चीज मैंने पिछले हफ्ते बोली थी जो बहुत टाइम से पेंडिंग थी, मुझे उस चीज का रिव्यू करना था बट समहाउ ड्यू टू सम और दी अदर रीजन वो रह जाता था। एक दिन पुलिस वालों ने बीच में टांग अड़ा दी थी, उस वजह से रह गया था। सो कुछ ना कुछ रीजंस के वजह से वो अभी तक पेंडिंग है, बट अगर पेंडिंग है तो अच्छा है, क्योंकि अगर वो डिले होता है तो किसी अच्छे रीजन की वजह से ही होता है। फिलहाल चलते हैं, अब बता ही देता हूँ कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं नेक्सा, एंड मेरी फोन पे बात हो गई है, मैंने जिमनी के लिए बोल लिया है, तो जाके जिमनी का रिव्यू करते हैं। रिव्यू तो हमने ऑलरेडी कर लिया था, सो टेस्ट राइड लेते हैं एंड देन लेट्स टेक अ फील ऑफ जिमनी। उसके बाद आगे डिसाइड करेंगे कि करना क्या है, लेनी है नहीं लेनी है, क्या करना है क्या नहीं, बट एटलीस्ट एक बार गाड़ी का फील लेना बहुत जरूरी है। सो चलते हैं नेक्सा की तरफ। आई गेस 10 से 15 मिनट और लगेंगे, एंड मैंने फोन करके ऑलरेडी बता दिया है, तो वो लोग तो वहां पे रेडी है ही। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है यार, मतलब सैटरडे संडे को ऐसा मौसम होना तो एकदम मूड बना देता है ऑफ रोडिंग का, पता है। देखते हैं यार, कल भी एक आध प्लान कुछ तो बन रहा है, एंड आई एम नॉट श्योर कि मैं जाने वाला हूँ कि नहीं जाने वाला, आई एम स्टिल थिंकिंग, बट लेट्स सी। कल जाने का मन तो बहुत है, क्योंकि यार देखो ऐसा मौसम साल में हर बार नहीं मिलता, बहुत कम ऐसे दिन होते हैं जब ऐसा मौसम होता है और वीकेंड होता है। तो लेट्स सी, कल का कुछ प्लान करते हैं। सिग्नल तो खुल चुका है, पहले नेक्सा चलते हैं। और ये है हमारे सामने जिमनी, पहुंच चुके हम लोग नेक्सा के शोरूम पे। यार लुक्स प्रॉमिसिंग यार, ग्लोबली इतना बड़ा सक्सेस है तो कुछ तो होगा इस बार इस गाड़ी के अंदर। मैं ऐसे ही सीधा, आई डोंट वांट टू डिस्क्रिमिनेट दिस सिंस आई एम अ थार ओनर, कुछ तो होगा इस व्हीकल के अंदर, इट्स अ ह्यूज ग्लोबल सक्सेस। छोटा सा ट्रैक्टर कितना क्यूट लग रहा है ना भैया, बड़े लग रहे हैं उसके ऊपर। तो मैं नेक्सा शोरूम पे गया, मैंने गाड़ी देखी, उन्होंने थोड़ा बहुत गाड़ी के बारे में समझाया मुझे, एंड उसके बाद हुई डिसअपॉइंटमेंट। वो डिसअपॉइंटमेंट क्या थी? टेस्टेड व्हीकल नहीं है। लास्ट टाइम मैं गया था सेम चीज हुई थी, बट चलो लास्ट टाइम तो मैं विदाउट फोन कर गया था वहां पे, आज मैं फोन करके गया बट फिर भी सेम सीन कि उन लोग के पास टेस्टेड व्हीकल नहीं है। बोले सर हम लोग के पास टेस्टेड व्हीकल था बट किसी और को इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी, वो कैश लेके आए थे, उनको कुछ भी चले वैसा था, तो वो हम लोग का टेस्टेड व्हीकल ही खरीद के चले गए। भाई पैसा हो तो ऐसा हो, वरना ना हो, एनी वे है भी नहीं। बट यही है ऑल इन ऑल यार, इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग। बट व्हेन आई वॉज लुकिंग एट जिमनी, मैंने ये डिसअपॉइंटमेंट के मारे मैंने कैमरा भी नहीं उठाया वहां पे, बट व्हेन आई वॉज लुकिंग एट जिमनी देर वर टू ऑब्जर्वेशंस व्हिच आई डिड। सो यार डिजाइन एलिमेंट, डिजाइन इज समथिंग जो बहुत पर्सनलाइज चीज है, राइट? मतलब मुझे निसान ज्यूक नहीं पसंद, मुझे टोयोटा प्रियस नहीं पसंद, बट ऐसा जरूरी नहीं कि आपको पसंद ना आए, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो पसंद आती भी है। सो डिजाइन मुझे ओके लगी, इट इज नॉट वाव एंड इट इज नॉट ऑसम, बट ओके है, बट इट इज नॉट इवन बिलो एवरेज, राइट? ग्लोबली इट इज अ वेरी सक्सेसफुल कार। सो डिजाइन के अंदर कुछ तो है, इट हैज सम एक्स फैक्टर एंड एक्स एलिमेंट, बट अगेन जो एक हमारे दिमाग में एक एसयूवी का जो टेम्पलेट होता है ना, जो फॉर्च्यूनर एंडीवर थार वगैरह का जो एक एसयूवी का जो टेम्पलेट होता है ना, वैसी नहीं है। इट इज क्यूटली केपेबल, तो बहुत छोटी दिखती है गाड़ी। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि एक तरफ से बैठ के मैं दूसरे तरफ का पूरा दरवाजा टच कर सकता हूँ। सो साइज में वो इतनी छोटी है, एंड एक सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज है स्पेशली फॉर एंथुसियास्ट लाइक यू एंड मी कि
जिमनी के अंदर हाईवे टेरेन टायर्स आते हैं यार, ये कौन सा सेंस बना मुझे बताओ। हाईवे टेरेन टायर्स मतलब I'll tell you, 80-90% of the people what they are going to do is, the first thing what they are going to do is, वो लोग गाड़ी खरीदने के बाद सीधा अपने टायर्स चेंज कर देंगे। मतलब आप गाड़ी के साथ 50-60 हजार के टायर खरीद रहे हो और वही वाले टायर्स आप रद्दी के भाव में दे दोगे और आप वापस से 50-60 हजार अलग से डाल के नए टायर्स डलवाओगे। यार हाईवे टेरेन टायर्स के साथ आज तक कौन सी SUV आती है मुझे वो बताओ। मैं आपको दो एग्जाम्पल्स देता हूँ, है ना। थार 4x2, थार रियर व्हील ड्राइव कम्स विद एन ऑल टेरेन टायर्स। व्हाई? बिकॉज़ यार कैपेबल तो है ना व्हीकल, भले वो ऑफ रोडिंग प्रो लेवल की ऑफ रोडिंग नहीं कर सकता, राइट, बट कच्चे रास्तों पे तो आसानी से निकल जाता है ना। दैट इज वन एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको ये देता हूँ, फॉर्चूनर। टोयोटा इज सो थॉटफुल के वो 4x4 के साथ ऑल टेरेन टायर्स देता है और 4x2 के साथ हाईवे टेरेन टायर्स देता है। तो ये हुई ना समझदारी वाली बात यार। आई डोंट नो टायर कंपनी ने, मतलब सॉरी मारुति सुजुकी ने 10-15 हजार बचाने के चक्कर में, मे बी 30-40 हजार बचाने के चक्कर में, दे डिड अ वेरी रॉन्ग थिंग और हाईवे टेरेन टायर्स के साथ जिमनी बेच रहे, विच इज अटरली डिसअपॉइंटिंग। सो ये दो ऑब्जर्वेशन है मेरे आज के। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे बड़ा एक और चीज है जो है डिसअपॉइंटमेंट। एनीवे, बाकी की घर से निकले तो बाकी की दिनचर्या तो खत्म करनी ही है। हमारा जो ट्रिप है वो ट्रिप के लिए कुछ शॉपिंग करनी है हमें, सो चल के वो शॉपिंग करते हैं और बाकी दो तीन चीजें लाइंड अप है वो एक के बाद एक करते हैं। और इसी के साथ टाइम क्या हो रहा है, अभी 9:45 हो रहा है। तो हम लोग अभी सीजन्स मॉल आए थे, यहाँ पे थोड़ी पेट पूजा की, ये थोड़ी सी जो शॉपिंग दिख रही है वो सारी शॉपिंग की हम लोगों ने, क्योंकि एक और ट्रिप प्लान कर रहे हैं हम लोग। अभी दोपहर को थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ कौन सा ट्रिप है क्या नहीं, कैसे जाने वाले हैं, वो सब मैं बाद में बताऊंगा। बट एक नहीं दो ट्रिप है हम लोग के बैक टू बैक। सो सितंबर महीने में एक ट्रिप है हमारा, सॉरी अगस्त एंड में एक ट्रिप है हमारा और सितंबर का एक ट्रिप फाइनल हुआ है। अक्टूबर में क्या करना है क्या नहीं वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ। सो यही हमारी नेक्स्ट ट्रिप के प्लान्स है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, थार से जाएंगे, सिविक से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, नहीं जाएंगे, वो तो आपको आगे चल के ही धीरे धीरे एक एक करके बताऊंगा। और इसी के साथ हम लोग अभी ये सीजन्स से निकल चुके हैं एंड घर की तरफ जा रहे हैं। तो ऑल इन ऑल यही था यार, दिन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। डिसअपॉइंटिंग इसलिए क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करके बैठा था कि यार आज जिमनी की टेस्ट राइड लेंगे, यहाँ पे एक और नेक्सा का शोरूम गया, अभी यहाँ पे भी मुझे जिमनी देखने को नहीं मिली। ठीक है यार यही है, बट एनीवे जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, जो चीज डिले होती है वो बाद में हमेशा अच्छे होके निकलती, अच्छे होके यू नो बाहर आती है। क्या पता हम हमारी खुद की जिमनी चलाई एक दिन। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस। एंड इसी के साथ अगर आपको आज का वीडियो लगा हो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, डू कमेंट योर थॉट्स बिलो एंड मेक श्योर यू लिव योर ड्रीम्स, लिविंग ड्रीम्स।